हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल का व्लॉग देखा, आपको पता चल गया होगा किस बात की एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। यस, ये बेबो का बर्थडे है तो एक्साइटमेंट तो बनती है। और गिफ्ट्स आ गए, सब चीज़ें हो गई और फाइनल टाइम आ चुका है कि जब जितनी भी चीज़ें सोची है उन सबको एक साथ लाया जाए। तो थोड़ी बहुत मैंने प्रिपरेशन कर ली एंड माय बैड, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। अभी जैसे तैसे जुगाड़ करके उसको ठीक किया है, तो मैंने जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की उसको मैं शूट नहीं कर पाई। बट अब जुगाड़ के साथ एक बार ट्राइपॉड ठीक हो चुका है, नया ट्राइपॉड ऑन द वे है। जो आज डिलीवर होना था वो हुआ नहीं, वो मे बी कल होगा, तो कोई बात नहीं। तो जो बना चुकी है वो आपको दिखाती हूँ और जो करने वाली हूँ वो आपको अभी कंटिन्यू करूँगी। चलो सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या है। और ये हमको दिखाएंगी हमारे घर की दो मचकिन्स, जिनी एंड जादू। ठीक है, लेट्स सी, उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। और क्योंकि जादू ने मेरी हेल्प भी की है तो वो आपको बताएगी कि क्या क्या कैसे कैसे है। ओके, सो दिस इज द केक टेबल जो रवि की ऑफिस टेबल थी। ऑफिस टेबल से ये बनी स्टडी टेबल, स्टडी टेबल से अब ये बन चुकी है केक टेबल। लग रही है ना खूबसूरत? एक क्यूट सी आइसक्रीम ट्रॉली है ना। तो इस आइसक्रीम ट्रॉली को बनाने में जादू ने मेरी काफी हेल्प की। जिनी लेट हो गई इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाई। तो अभी हमको जादू बताएगी कि ये ट्रॉली हमने कैसे बनाई। तो ये ट्रॉली हमने मामा के स्टडी टेबल्स बनाई। हमने रिबन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिबन्स और ब्लू कलर से टेबल के एंड से नीचे वाले एंड तक चिपकाए। फिर हमने ये टैसल्स चिपकाए और ये मामा ने ऑलरेडी बनाया था और इन स्टिकर्स में मैंने उनकी हेल्प की। थैंक यू जादू। और जिनी का है, वो भी तो बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए सबसे। बुलाओ उसे। और ये आ गई हमारे घर की जिनी। बस ये जिनी एक ही काम नहीं करता, जादू नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। क्यों जिनी, कैसा लग रहा है तुमको आइसक्रीम ट्रॉली देख के? आइसक्रीम का स्टॉल है। मुझे भी आइसक्रीम का स्टॉल ही लग रहा है ये देख के। केक टेबल के लिए कैसी रहेगी? बेस्ट रहेगी ना। सो मैं किचन में आ गई एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा प्लेटफॉर्म इतना क्लीन कभी नहीं रहता। वो शूट करना है और केक ऐसी चीज है जिसके टाइम पे मुझे प्लेटफॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन पसंद है, ताकि मेरे पास सिर्फ केक का सामान यहाँ रखा हो और मैं आराम से केक को बेक कर सकूं, बैटर बना सकूं। इसलिए मैं सारा सामान हटा देती हूँ और आराम से केक का सामान रखकर केक बेक करती हूँ। मेरी नॉर्मल केक की रेसिपी आप लोगों ने देखी है जो मैंने फादर्स डे पर बनाई थी, सेम रेसिपी मैं फॉलो करने वाली हूँ। बस उसमें मैंने चपरा केक बनाई थी, इसलिए चॉकलेट एसेंस और वनीला एसेंस डाला था। यहाँ मैं आइसक्रीम फ्लेवर की केक बना रही हूँ, तो कुछ आइसक्रीम फ्लेवर के कलर्स और एसेंस।
मेरी दोनों केक पिक हो चुकी, मैं अभी पे शूट नहीं कर पाई, रीज़न वाइज रवि शूट कर रहा था एंड फिर वो बातें करने में लग गया। इतने दिन के बाद दीदी जिया जी आए तो आप ठीक है हो जाता है, तो मैं शूट नहीं कर पाई। बट सेकंड केक बेक हो गई तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं तो सही कि केक बेक होके निकली या नहीं निकली। और साथ में मैंने कुछ कपकेक्स रखे हैं, बच्चों से कपकेक का एक गेम करवाऊंगी तो उसके लिए कुछ कपकेक्स बेक कर ली। बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया, कुछ 6-7 बच्चे ही हैं, ज़्यादा नहीं है घर के बाहर के सारे मिलाकर। तो अभी बस फटाफट से केक को डिमोल्ड करती हूँ एंड देन फिर उसकी फ्रॉस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। बट साथ में मीनवाइल मैं फटाफट से इमली की, धनिया की और लहसुन की चटनी भी बना लेती हूँ जब तक हमारी केक ठंडी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाकी का काम करना। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को 2 घंटे पहले भिगा दिया था और अब उसे मैंने स्ट्रेन कर लिया। साथ में जिसमें इमली भिगाई थी उसी में ही गुड़ के 1-2 डलियों को डालकर उसे बॉईल कर लूँगी। जब तक हमारा गुड़ बॉईल होता है तब तक मैं इमली को अच्छी तरह से क्रश करके उसका जितना भी पल्प है स्ट्रेन करके निकाल लूँगी। ये हमारा स्ट्रेन होकर इमली का पल्प ऑलमोस्ट निकल चुका है और मीनवाइल हमारा गुड़ भी रेडी हो चुका है। इसे अब हम मतपूर मोटा या पतला अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे और साथ में इसमें कुछ स्पाइसेस, सॉल्ट, गरम मसाला, सेका हुआ जीरा पाउडर ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद साथ में हम इसमें मिक्स करेंगे हमारा गुड़ का पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे मीठा, नमकीन, तीखा कैसा है। ये हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार है। नमक, मिठास अभी का चेक करेंगे कि कैसी आपको चाहिए, आपको कितना नमक तीखा मतलब नमकीन चाहिए, कितना मीठा चाहिए, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो मैं टेस्ट करती हूँ। काफ़ी मीठा हो गया, मैं थोड़ी सी इसमें शक्कर और डाल देती हूँ तो मीठा एकदम बैलेंस हो जाएगा और मेरी कपकेक भी बेक हो चुकी है। चलो चेक करते हैं। की चटनी कंप्लीट हो और फिर मैं फ्रॉस्टिंग की तरफ आगे बढ़ सकूं। 2-3 चम्मच चीनी और थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूंगी ताकि बैलेंस एकदम बराबर हो। इसे एक अच्छा सा स्टर देती हूँ एंड इसे एक बार रख देती हूँ साइड में क्योंकि गुड़ का पानी थोड़ा सा गर्म था तो अभी ये चटनी गर्म है तो अभी इसे मैं रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकती। वैसे अगर ये बाहर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चटनी है और अभी बनाई है और कल तो मेरे को यूज़ ही करनी है। नहीं मैं फ्रिज में फिर भी रख दूँगी टू बी सेफ साइड, कोई प्रॉब्लम ना हो। पीछे बहुत नॉइज़ है क्योंकि इतने सारे लोग जब घर में होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इमली की चटनी बन गई। अब सबसे इजी वाली चटनी धनिया की। धनिया मैंने धो के रखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट टमाटर डालो, अदरक डालो, मिर्ची डालो, वो डालना है डालो और पीस लो। सब बनाना जानते हैं, सब बनाते हैं, मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, कुछ अनोखा नहीं है, बस जैसे बनाते हो वैसे बना लो, कुछ अतरंगी नहीं है। ठीक है, तो बस ये धनिया की चटनी की तैयारी हो गई। धनिया की चटनी बनाने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डाउन हो गई, फ़ोन बंद हो गया तो मैं शूट कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन मैंने शूट कंटिन्यू किया लेकिन वो दूसरे दिन, तो मैं फ्रॉस्टिंग वगैरह कुछ शूट नहीं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट टाइम जब भी फ्रॉस्टिंग करूँगी मेक श्योर करूँगी कि फ़ोन फुल्ली चार्ज हो और आपको पूरी फ्रॉस्टिंग अच्छी तरह से दिखा सकूँ। तो अभी हम इंजॉय करते हैं बेबो की बर्थडे पार्टी को। सो फाइनली वो दिन आ गया, बेबो का बर्थडे आ गया। ये रही बेबो के बर्थडे की केक, इसमें मैंने दोनों केकों को लेयर करके लगाया है और ऊपर मैंने ब्लू और पिंक कलर की फ्रॉस्टिंग को मिक्स करके लगाया है। साथ में केक को मैंने टॉप किया है केक टॉपर से जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। सारे बच्चे आ चुके, डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी। बलून डेकोरेशन थोड़ी कराई मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं कराई। बच्चों ने बहुत डांस किया, बहुत सारे गेम्स खेले, इंजॉय किया। इतने दिन के बाद जब बच्चे आए तो थोड़े से शाय फील कर रहे थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में तो जो मस्ती शुरू हुई नॉन स्टॉप थी।
मेरी आहाना ने जितनी मस्ती की उतनी शायद किसी ने नहीं की। और ये है पूरा मेन्यू। मेन्यू में था मैगी लजानिया, पिज़्ज़ा पास्ता शर्ट्स, वड़ा पाव बाइट्स, राज कचौड़ी, केक। बस इतना ही, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी थोड़ा है। और ये है पहला गेम, ईयर नोज क्लैप। यू हैव टू टच योर नोज एंड ईयर सेम टाइम। बेसिकली कांड करना ये था कि आप जब भी नाक पकड़ोगे तो आपका हाथ ऊपर से नाक के पास आना चाहिए। जो ये नहीं करेगा वो काउंट नहीं होगा, जो कर लेगा वो काउंट होगा। और एक मिनट का टाइम है। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, उनको बहुत मज़ा आया। कुछ बच्चों ने तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत लंबे टाइम तक किए, लाइक कुछ बच्चों ने जहाँ 10-12 किए, वहीं कुछ बच्चों ने 45 नहीं, आई गेस जो हाईएस्ट नंबर था वो 38 था, जो बच्चा जीता था। तो उन्होंने बहुत इंजॉय किया और मुझे भी बहुत मज़ा आया। बेस्ट पार्ट, बेबो ने इंजॉय किया, उसकी इंजॉयमेंट के लिए सब कुछ था और उसने बहुत इंजॉय किया। ये गेम हो गया। इसके बाद हमने दूसरा गेम खेला, रोल द बॉल। इसमें कुछ नहीं था, 3 ग्लासेस रख दी, इंची टेप होती है मेजरिंग टेप, वो दी, उसे ग्लास में अटकाना है और उस मेजरिंग टेप पे आपको बॉल को रोल करना है। इसमें भी बहुत मज़ा आया। बच्चे पहले कह रहे थे कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फिर जब करने लगे तो सारे बच्चों ने मिनिमम 1 से 2 तो कर ही ली थी और कुछ बच्चों ने तो विद इन सेकेंड्स तीनों की तीनों बॉल्स को रोल कर दिया। तो बहुत मज़ा आया। और जो फाइनल गेम था वो आप खुद ही देख लेना कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया। और ये आ गई आशु। बच बड़ों को मैंने पार्टी में नहीं बुलाया था, सिर्फ घर घर के लोग थे, लेकिन आशु को बुलाने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जून छोटी है और छोटे बच्चे अगर मम्मा रहती है तो कंफर्टेबल रहती है, उनका खाना पीना सब। तो इसलिए आशु को भी बुलाया। और ये आया फाइनल गेम, जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, इतने मज़े किए कि मैं नहीं बता सकती। मैंने सोचा नहीं था कि उनको इतना मज़ा आएगा। इस गेम में मैंने कपकेक्स बनाई थी, आपने देखा था कपकेक्स, बच्चों ने खुद अपने अपने कपकेक्स को डेकोर किया और जितना मज़ा उनको आया, ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी अपनी कपकेक्स को डेकोरेट कर रहे हैं। और तो कुछ बच्चों ने तो कपकेक प्लेट को कपकेक प्लेट को भी डेकोर कर ली। ओ माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। बच्चे को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है और जब सारे बच्चे खुश हो जाएं तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो बस कपकेक डेकोरेशन का गेम भी हो गया, जजेस ने अपना डिसीजन भी सुना दिया, बेबो और बेबो की एक दादी, उन दोनों ने मिलकर कॉम्पिटिशन को जज किया कि किसकी कपकेक सबसे अच्छी बनी है। इसके बाद हमने किए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी गेम्स खेले उसमें कौन से गेम में कौन जीता, और स्पेशल प्राइज कुछ छोटे बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तभी तो उनके अंदर गेम में खेलना और बने रहने में इंटरेस्ट आता है। फाइनली टाइम आ गया केक कटिंग का, पार्टी ओवर होने वाली है, बच्चे बहुत एक्साइटेड है और मैं भी। आज बहुत थक गई है, रात के 11 बज रहे हैं और पार्टी फाइनली ओवर हो गई है, बेबो की पार्टी हो गई, उसके बाद वो घूमने चली गई। अभी अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गिफ्ट को खोलोगी या फाड़ फाड़ के खोलोगी? फाड़ फाड़ के खोलोगी।
वही पापा वाली बात, पापा ने बोला था ना फाड़ फाड़ के खोलते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे ये बड़ा वाला गिफ्ट। हाँ, इस बड़ा वाला सबसे। चलो इसमें पहले पढ़ो क्या लिखा है। ये गिफ्ट किसकी तरफ से है? पापा की तरफ से। मजे आ गए पिको के तो। हाँ, हम रोज एक एक ट्राई करेंगे। रोज एक एक ट्राई करेंगे, सारे अगर हम अभी ट्राई करेंगे तो फिर हम रोज क्या करेंगे? एक ट्राई निकालेंगे, उसको खेलेंगे, फिर उसको अच्छे से पैक करेंगे, रखेंगे, फिर दूसरा ट्राई करेंगे। तो और आज बेबो को मजा आया अपने बर्थडे पार्टी में? यस। एंजॉय किया बेबो ने? यस। इधर आ जाओ मेरे पास जल्दी से। ठीक है, अभी खेलेंगे। अभी हम लोग सब फ्रेंड्स को बाय बोल दें। हाँ, फिर खेलेंगे। तो आई होप आप सबको मजा आया हो, आप सबने एंजॉय किया हो। अगर मजा आया, एंजॉय किया, बेबो की बर्थडे पार्टी, आइसक्रीम बर्थडे पार्टी अच्छी लगी, अगर आप सबको अच्छा लगा, मजा आया, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल, लव यू।